नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो आज की एक समस्या है, गंभीर समस्या है, उस विषय में आज हमें चर्चा करना है। और ये सबके लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात, ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों तलाक की समस्या बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़का लड़की स्वयं ही निर्धारित करके और संबंध स्थापित करते हैं, संबंध को कायम करते हैं और संबंध को जोड़ते हैं, और वही निर्णय करते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति के साथ में विवाह करना है। लेकिन उसके उपरांत भी तलाक क्यों? जब स्वेच्छा से हुआ, अपनी इच्छा से हुआ, प्रसन्नता के साथ हुआ, तो फिर तलाक क्यों? लेकिन इसके लिए कुंडली के सप्तम स्थान के अंदर हमें जाना होगा। ज्योतिष एक आईना है जो स्पष्ट बताता है, सप्तम स्थान अगर किसी भी प्रकार से दग्ध है, सप्तमेश किसी भी प्रकार से अशुभ स्थान में चला गया या दग्ध है, और सप्तम का कारक अगर किसी भी अशुभ स्थिति के अंदर है, पाप ग्रसित है, पाप कर्तृ योग के अंदर है, या त्रिक स्थान के अंदर गया हुआ है, या फिर पापी ग्रहों के द्वारा अगर वो दृष्ट है, तो निश्चित है सज्जनों, वहां पर वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें कई कारण बन सकते हैं, विवाह का नहीं होना, विवाह का लेट होना, विवाह होकर के और सामंजस्य स्थापित नहीं होना, आपस में सहमति का नहीं बनना, तर्क वितर्क वाद विवाद चालू रहना, एक दूसरे से तकरार रहना, क्लेश रहना, कलह रहना, और अंत तो गत्वा फिर वो जो है दंपति एक ही निर्णय करते हैं कि इससे तो अच्छा ये है कि हम अपना पृथक पृथक रूप से रह लें तो ही अच्छा है, कम से कम शांति तो होगी। लेकिन ऐसा क्यों? आइए इस कुंडली के अंदर झांकते हैं। कुंडली है मकर लग्न की, और मकर लग्न के अंदर सप्तम जो स्थान है वहां पर कर्क राशि बैठी हुई है, और कर्क राशि में चंद्रमा वहीं पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यहां पर चंद्रमा ये कह रहा है कि वैवाहिक सुख तो मैं दूंगा, अर्थात उस व्यक्ति को, उस लड़की को, उस पुरुष को वो विवाह तो प्राप्त होगा, विवाह तो उसका होगा या होंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत विवाह करवाने वाला होता है। तो चंद्रमा जो है कह रहा है विवाह तो होंगे, लेकिन फिर वो टूटते क्यों हैं? उनके अंदर तलाक क्यों हो जाता है? संबंध विच्छेद क्यों हो जाते हैं? तो उसके लिए अब हमें ये देखना होगा कि उस चंद्रमा पर या सप्तम स्थान पर और सप्तम स्थानेश के ऊपर दृष्टि किसकी जा रही है। सबसे पहले सज्जनों, इसके अंदर पंचम स्थान में बैठा हुआ शनि, जो कि तृतीय दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है, और वहां पर जब वो देखता है तो जिस भी स्थान में शनि देखता है उसी स्थान को नष्ट कर देता है, उसी स्थान के सुख को नष्ट कर देता है। तो चंद्र भी अर्थात सप्तम स्थान भी और सप्तमेश भी, ये दोनों ही शनि के द्वारा दृष्ट हो गए। एकादश स्थान के अंदर बैठा हुआ केतु, उसकी भी नवम दृष्टि सीधी वहीं पर पड़ रही है। चौथे स्थान में बैठा हुआ मंगल, उसकी भी चौथी दृष्टि सप्तम के ऊपर पड़ रही है, अर्थात यहां पर चंद्र और चंद्रेश, सप्तम और सप्तमेश यहां पर केतु से, मंगल से और शनि से दृष्ट हैं। तो ये स्पष्ट है कि इस स्थान का सुख उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है, कितने घनिष्ठ हैं, कितने ही प्रेम प्यार से उन्होंने विवाह किया है, लेकिन इसके उपरांत भी स्थितियां ऐसी बन जाएंगी या बन गई हैं या बन सकती है कि उनके संबंध सदा के लिए स्थायी नहीं रह सकते। और सज्जनों, अब इसके लिए ये है, अगर पूर्व में जानकारी मिल जाए कि ऐसा है तो वो ग्रह तो कहीं बदलेंगे नहीं, ग्रह बदल भी नहीं सकते,
जो कुंडली के अंदर जन्म के समय पर जो ग्रह आ गए वही जीवन भर उनका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। तो हम उन ग्रहों को जो उस स्थान को दग्ध कर रहे हैं उन स्थान की शांति करें। और सज्जनों एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, इसका जो कारक है सप्तम स्थान का वो बृहस्पति है। और बृहस्पति आप देखिएगा, अगर ये लड़के की कुंडली है तो शुक्र उसका कारक होता है जो द्वितीय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, और द्वितीय स्थान के अंदर बैठे हुए शुक्र को शनि देख रहा है। दूसरे नंबर पर अगर लड़की की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो बृहस्पति उसका कारक होता है, और बृहस्पति छठे स्थान के अंदर चला गया, अर्थात वो भी अपना बल खो बैठा है। ऐसी स्थिति के अंदर दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रह सकता, तो यहाँ पर बृहस्पति को बल दिया जाए, चंद्रमा को बल दिया जाए, पुखराज और मोती इनको पहनाया जाए, और इसके साथ शनि मंगल और केतु की जो है शांति कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति आने से बच सकती है और इनका वैवाहिक जीवन सुखद रह सकता है और ये जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।